कहेंगे गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल एंड कॉपी टू ऑल। हमारे साथ में भैया भी है, क्या नाम है भैया आपका? पवन। पवन जी, यहाँ पे गाड़ी लगानी होगी सर, यहाँ से नीचे तो जाए, यहाँ पे लगा दूँ? हाँ, नीचे को। तो आ गए हैं हम लोग अपने कैंपिंग साइट पे, और रिवर साइड कैंपिंग है हमारी। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक्साइटेड फॉर पिकनिक। तो There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. तो जी हमारा घर तैयार है। If I could lay down beside you, I'll... तो हमारी घर की लक्ष्मी ने गृह प्रवेश किया है सबसे पहले, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं नैनीताल से। बताएंगे आप अपने बारे में? क्या बताना अपने बारे में, मेरा नाम है अभिनय सिंह। तो हमारे छोटे भाई साहब जुड़ चुके हैं नैनीताल से, एकदम सरप्राइज़, इन्होंने भी ज्वाइन किया हमारे साथ में, और हमने भी इनके लिए सरप्राइज़ रखा था रिवर साइड पिकनिक का। बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला है मुझे, थैंक यू। और इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल कि हम नदी के किनारे ऐसे मिलेंगे। अब मैं भी जा रही हूँ गृह प्रवेश करते। सिंपल क्या करने जा रही हो? स्टोन पेंटिंग। स्टोन पेंटिंग, ओके। निशु कैसा लगा? अच्छा। रूम घर में कैसा लगा? घर में तो अच्छा, गर्मी लेकिन बहुत गर्मी है। ओके चलो। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this is not fake to me now. Hello, देखिए पति देव, आपके लिए सरप्राइज है तोरे। मैंने पहाड़ों के पत्थरों पे आपका नाम दिया है, आपका और अपना, क्योंकि ये दर्शाता है कितना प्यार करती हूँ मैं आपको। देखिए दिखाओ, घूम करके जरा दिखाओ। और बच्चे का नाम कौन लिखेगा? अरे मीशू, मम्मा ने तुम्हारा नाम नहीं लिखा उधर? बच्ची तो हमारे दिल में, वो हार्ट है ना, छोटा सा बीच में, उसमें देखो ये हार्ट आ गया, ये हमारा भरोसे का है। मीशू व्हाट आर यू डूइंग? पेंटिंग। दिखाओ क्या बना रही हो ये? अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाओ, फिर मार्क्स देंगे मास्टर साहब। ठीक है जी, क्या बनाया मीशू तुमने? वेरोनिका नाम। वेरोनिका मेरा नाम। अच्छा, किससे बनाया? पेंट से, और ये लिखा है गलत लिख दिया था लेकिन। ओके, क्या लिख दिया था? गलत है। सिंपल, तुमने क्या बनाया? तो अपना पत्थर भी उठा लाओ। देखो वो मैं नहीं उठा सकती, कोशिश तो करो। बहुत बड़ा है वो, उठा के नहीं ला सकती, स्टोन बहुत बड़ा है, उसके लिए कैमरे को आना पड़ेगा। मैंने जो पत्थर पे लिखा है वो इतना बड़ा है, जितना मेरा प्यार है उतना ही बड़ा मेरा पत्थर है, इतना भारी पत्थर मैं नहीं उठा सकती। ये देखो मैंने क्या किया है। कैसा लगा, कैसी लगी मेरी ड्रॉइंग? बीच, नदी में, पहाड़ों के बीच में, क्या ड्रॉइंग, क्या माहौल, मेरा भी देखो। ये बताओ कुछ अच्छा है कि नहीं है? सर जैसे तुमने चार्जेस दिए उस हिसाब से स्नैक्स भी अच्छे हो रहे थे। स्नैक्स में सैंडविच है और कुकीज़ है। और ये क्या है? या सैंडविच और कुकीज़, उसमें
सुबह सुबह फ्री में देते चाय के साथ। अरे भैया कुछ तो अच्छा, एक सैंडविच तो ठीक है, एक मतलब ये कह रही है प्याज आलू के पकौड़े पकौड़े टाइप के हो जाते हैं, मजा आता चाय से खाने में। मैंने बताया नहीं, मैंने वही तो मुझे नहीं पता था स्नैक्स में, मैंने सोचा कुछ तो अच्छा सा होगा नमकीन, ये तो बिस्किट तो हम फ्री की खाते ही, सैंडविच है बस ये। पकौड़े खा लेना थोड़ी देर में, भैया कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बनवा देंगे, थोड़े से पकौड़े बनवा देंगे। सबसे अच्छा लगा कि ऋषु ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मजा आ गया, मतलब अब पूरी एक फैमिली पिकनिक हो गई। पापा मिसिंग है बस। हाँ बस पापा मिसिंग है। मैंने छोटे छोटे पत्थर पे ड्राइंग बनाई है। थैंक यू फॉर कमिंग। और चार ड्राइंग तो हमने बुलाया था तुम अपने आप। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा और एनएस एडजस्ट कर रही है। थैंक यू फॉर दिस। सो दिस इज ऑल अगेन अ डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ शायद ऐसी कभी नहीं है ना। और सबसे मज़ा आ गया कि रिशु भी हमारे साथ आ गया। ए रिशु, ये चश्मा तूने कैंटीन से खरीदा है क्या भाई? गया ये तेरा चश्मा ले लो, स्मार्ट से बढ़ के है ना, उनको अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, गलत ले आया चश्मा टप गया रिशु का। पता है एक वो वाला चश्मा ना, गोल वाला, वो रिशु पहनती है, सिंपल पहनती है, मैं पहनता हूँ, बेचारे को समझ में नहीं आता मैं हूँ किसका। नहीं पता है, मैंने शादी से पहले पिकनिक की है। नहीं रिशु ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया है ना। अरे वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया ये। अरे कह रहा हूँ क्यों पहन लिया मैंने आज, लेके क्यों आया मैं ये वाला चश्मा, पर ये ओरिजिनल वाला है, ये तो गया ही बेचारा हाथ से। सूरज कितनी जल्दी ढल जाता है ना यहाँ पे, बाहर आ गया ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बिना टच किए हुए स्टोन कैसे फिर से कप का डिजाइन भी बन सकता है। ये स्टिक उठाई, ये रखा, ठीक है, ये स्टिक उठाई, ये रखा। ओ वेरी गुड, इतना दिमाग नहीं लगा पाए। हमें एक गेम दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हो आप? ये चार किंग है। हाँ। ये हमारी पूरी गड्डी है, ठीक है। हाँ। चार है इसमें, पूरी गड्डी में चार ही किंग होते हैं। हाँ। तो इसमें पूरी गड्डी करके मैंने इधर रखी है, इसमें से फर्स्ट किंग था जो, वो मैंने लास्ट में डाल दिया, सेकंड किंग बीच में डाल दिया, ठीक है फिर उसके बाद इसको भी बीच में डाल दिया, उसके बाद चौथा वाला भी यहाँ डाल दिया, ठीक है मैम, फर्स्ट किंग सेकंड किंग और वो चेक कर लेना, ये चेक करा देता हूँ मैं। हाँ जी एक और दिखाते हैं यहाँ पे, जो है यहाँ पर सर कोई पत्ता छोटे ओपी शर्मा एक और ट्रिक दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोई उल्टा तो नहीं लगाया सर? नहीं ना, नहीं। हाँ। एक बार इस तरफ से दिखा देता हूँ मैं, कोई उल्टा सा नहीं है। अभी आप जो है मेरे को स्टॉप बोलना सर, कहीं पे भी, ठीक है, जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं पे भी जैसे यहाँ पे बोलते हैं तो बोल लीजिएगा, दोबारा करना फिर से दिखाओ भैया, ये तो जूम में लूंगी, ऐसे लेती हूँ सर, कहीं उल्टा है नहीं है ना, नहीं, और इधर से भी देख लीजिए आप, नहीं नहीं है। अभी आप देखिए स्टॉप बोल दीजिएगा सर कहीं पे, स्टॉप से। हाँ गुलाम। हाँ ये भी कुछ खेल है पत्तों के पीछे पत्ते छुपा के रखने का। छुपा के नहीं सर, ये देख इधर से भी, ये जादू तो जादू ही एक है। इसमें क्या होता है ना, वो एक शेप ऐसे बनेगी जो फोर्थ तो उसी में बन जाए, शेप में बना कर रही हूँ, पहले इधर तो बता दो कैमरा मैन। ये इन्होंने भैया ने हमें 6 स्टिक्स दी हैं सेम साइज़ की, हमें उसमें चार ट्राइंगल बनाने हैं,
उधर से ही बना लो मैम, ये थ्री स्टिक से है। हाँ सर आप भी ट्राई करोगे? ठीक है फोर बना लिए ना, फोर बना लिए, साइज सेम सब कुछ सेम। आप बताइए भैया कैसे बनेगा? ये है, ये हो गया, ओके, थ्री डायमेंशनल। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. टॉमी यूनिवर्सल मुंह पे मार रही है। खिलाना है, मारना नहीं है। वो चिप्स नहीं खाएगा, वो नहीं चुनने है। टॉमी, टॉमी नहीं, टॉमी नाम नहीं है इसका। टॉमी, टॉमी। चम्मू, चम्मो, चम्मो, चिंटू, चिंटो, पिंटो। जाओ, कुछ खा भी नहीं रहे फिर खड़े क्यों? हेलो, अरे देखो हेलो से सुना उसने। अरे हेलो सुनता है, हेलो 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 से उसके कान खड़े हो रहे हैं, पता है। हेलो बिस्किट ले आओ ना, इसके लिए बिस्किट ले आओ ना। गया गया, चल रहे हैं। अच्छा उधर आ गया बिस्कुट, पार्टी इसने चेंज कर दी जैसे उधर बिस्किट आया। कुत्ता ही हिला दो भाई, मुझे दे दो, भूख लग रही है। ये आ सकते हैं, नाश कर दिया। यार तुम तो ले आओ, जाओ खा लो। हाँ जी, कैसी रही फिर आज आपकी रिवरसाइड पिकनिक? मज़ा आ गया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे मस्ती की हमने। और अब हम फाइनली पकोड़ों के तलाश में और निकले थे, बट हमें पकोड़े मिले नहीं। और हम खा रहे हैं, एक स्पेशल डिश है यहाँ की पहाड़ों की, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एक मुठके रुके, मिक्स कर रहे हैं हम इसमें, मिक्सचर है ये बेसिकली छोले और रायतों का, और मिर्ची, मिर्ची भूल गए, बढ़िया वाली मिर्ची। सो मुझे लगता है कि ये मोमोज है, और मिर्ची यहाँ पे इसलिए डालते हैं बिकॉज ठंड बहुत है ना, बहुत ज्यादा है ना। सो हर तरफ से हवा निकले, गर्मी निकले, हाँ ये भी हो सकता है। सो बहुत ही बेहतरीन डिश लगी मुझे ये, छोला और रायता। ये हम लोग भी घर पे बना सकते हैं, एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है ना। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें पड़ेगा छोला और रायता, और रायता और मिर्च स्वादानुसार है ना। तो ग्लास भी, चाय भी जो है यहाँ पर स्टील ग्लास मिलती है, क्योंकि चाय के साथ हम लोग अपने हाथ भी गर्म गर्म कर सकें। ओ ये भी एक पीछे बड़ा बड़ी बहुत ही बात बोली ऋषु ने आज। और तुमने आज खूब बाइक चलाया? आज मैंने बुलेट चलाई है। और काफी स्पीड में भी चला रहे थे तुम? सो गाइज, टुडे वाज अगेन अ डिफरेंट डे, एंड वी रियली हैड अ फन एट रिवर साइड कैंपिंग। और लीजिए, तब तक चाउमीन भी आ गई है ना, चाउमीन काफी डिफरेंट लग रही है यहाँ की, मिर्च का देखते हैं इसमें भी। सो आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हियर, वी हैड फन, कीप शावरिंग योर लव ऑन फाइटर सिंह। Till then, goodbye.
ये देखो सामने देखो उसकी गर्लफ्रेंड, उनको देख के रो क्यों रहे हैं? उसको आवाज मारी थी, इसने सिग्नल दिया था। देखो क्या कर रहा है, देखो देख रही है इसको ध्यान से, कैसे कर रहे हैं इसका।